हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसी एडिटिंग टिप्स फॉर यूट्यूबर्स जो आपको काइन मास्टर पर एडिटिंग करते वक्त काफी यूजफुल हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टिप्स है गाइस, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। सो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पहले लोग व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को ज्यादा यूज करते थे, आज भी यूज करते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है एंड्रॉयड के लिए जिससे हम एंड्रॉयड से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सके। पर मैं इसमें जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप आप फॉलो करोगे तो इजीली आप काइन मास्टर में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकोगे। सो नॉर्मली आप देख सकते हो मैंने एक व्हाइट बैकग्राउंड ऐड किया है, फिर मैं अपना फोटो ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर फोटो ऐड कर रहा हूँ, आप फोटो की जगह वीडियो भी ऐड कर सकते हो और उससे भी नॉर्मली व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हो। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए सबसे पहले फोटो हुआ इन एनिमेशन में वाइप अप, वाइप डाउन, वाइप लेफ्ट ये सब कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वाइप डाउन वाला ही चूज करें और उसका जो स्पीड है वो एकदम कम कर दें। और साथ ही साथ लेयर्स में आपको एक हैंड वाला पिक्चर ऐड करना है, उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर सर्च करोगे हैंड पीएनजी तो आपको इजीली मिल जाएगा। सो उसके बाद गाइस आपको हैंड पीएनजी को एकदम लेफ्ट कॉर्नर पर लेके आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो चाय वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद टाइम लैम्प को थोड़ा आगे कर हैंड पीएनजी को राइट साइड की तरफ लेके आना है। फिर टाइम लैम्प को फिर से आगे करके लेफ्ट की तरफ लाना है पीएनजी को, और ऐसे ही आपको पूरा प्रोसेस करना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ गाइस पूरा, और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब आपका व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है, अब सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, आपको कैसा लगा जरूर बताना हमें कमेंट बॉक्स पर। तो चलते हैं गाइस टिप्स नंबर टू की तरफ। तो टिप्स नंबर टू भी काफ़ी यूजफुल है एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए। तो नॉर्मली गाइस अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए इस तरह से कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो बनाते हो तो मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ जिससे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो एकदम प्रोफेशनल लगेगा। तो गाइस आपको कुछ इस तरीके का वीडियो ऐड करना है अपने काइन मास्टर पे, फिर बाद में कुछ इस तरीके का फ़ोन पीएनजी आपको ऐड कर देना है। इस तरीके का पीएनजी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली गूगल में जाइए और सर्च करिए आईफोन पीएनजी डाउनलोड ग्रीन स्क्रीन, तो आपको जो इस तरीके का मिलेगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस पीएनजी को डाउनलोड करके आपको बैकग्राउंड इरेजर में जाके उसको ग्रीन स्क्रीन जो है उसको हटा लेना है। तो आपके पास बैकग्राउंड इरेजर ऐप नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक जाके डाउनलोड कर सकते हो। वापस से हम काइन मास्टर पर आ चुके हैं, तो आपके पीएनजी को कुछ इस तरह से राइट साइड को लेके आना है। फिर लेयर्स में जाकर आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उसे ऐड कर लोगे, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को उस पीएनजी के साथ कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर क्रॉप में जाए और फिर शेप पर इस तरह का कुछ शेप अप्लाई कर दीजिए, और जो फ़ोन वाला पीएनजी है उसे सिलेक्ट करके आप ब्रिंग टू फोन कर दीजिए इस तरह से, तो जो फ़ोन का पीएनजी है वो ऊपर आ जाएगा और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और फ़ोन के पीछे रहेगा। तो गाइस हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है, अब वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो वीडियो काफ़ी कमाल का और प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस तरीके से आप फ़ोन ओवरले वाला वीडियो क्रिएट कर सकते हो। टिप्स नंबर थ्री। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी वीडियो पे कुछ इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब के एनिमेशन डालता हूँ, तो वो अगर आप डालोगे तो आपका वीडियो एकदम कूल लुक देगा। तो इस तरीके का कुछ एनिमेशन आप अपने काइन मास्टर से इजीली दे सकते हो। फिर जिस भी वीडियो पर आप एनिमेशन देना चाहते हो उस वीडियो को आप काइन मास्टर में जाकर ऐड कर लोगे। फिर आपको वीडियो को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर जाना है जिसका नाम है क्लिप ग्राफिक्स। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे आपको यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको सामने काइन मास्टर का स्टोर ओपन हो जाएगा। फिर आपको जाना है प्रमोशनल पे, और नीचे स्क्रॉल करते ही आपको ढूंढना है सोशल लाइक, यह रहा सोशल लाइक, वहाँ पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपको डाउनलोड कर देना है। फिर डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सोशल लाइक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और फिर वहाँ पर आपको एनिमेशन डाल सकते हो, जिस तरह के चाहो एनिमेशन डाल सकते हो। Thank you.
तो टिप्स नंबर 4 काफ़ी इजी और काफ़ी यूनिक भी है। तो मान लो इधर एक वीडियो प्ले हो रहा है, तो उस वीडियो में आप जो वॉइस ओवर कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसमें आप टेक्स्ट में भी लिखना भी चाहते हो, तो मैं एक टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप लिखोगे तो एकदम प्रोफेशनल लुक देगा अपनी वीडियो पे। इस भी वीडियो को आप ऐसे बनाना चाहते हो, सिंपली उसे काइनमास्टर में ऐड कर लीजिए। फिर आपको लेयर्स में जाना है, लेयर्स में जाके बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर देना है, और उसे बड़ा साइज करके इस तरह से नीचे लेके आना है, जितना हो सके इतना थोड़ा नीचे कर लेना है, फिर डुप्लीकेट कर लेना है, और ऊपर की तरफ भी इसी तरह से करना है प्रोसेस। आप चाहो तो ऐसे साइड में भी लगा सकते हो ब्लैक बार। फिर आप लेयर्स में जाकर टेक्स्ट पर जाए और जो भी लिखना चाहो सब लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और फिर लिखने के बाद ओके कर देना है। फिर इस टेक्स्ट को ड्रैग करके ऐसे नीचे की लेयर पे जो आप ब्लैक बार्स लगाया था उस पे लगा देना है। आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप दे देंगे तो बहुत प्रोफेशनल लगेगा आपकी वीडियो पर। फिर इस नीचे बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग साइज को आपको एडजस्ट कर लेना है। जिस तरह से टेक्स्ट लगाना चाहो उस टेक्स्ट लगा सकते हो इस तरह से। तो अब आपको चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और टाइमलाइन का पूरा पीछे कर दीजिए। फिर उस टेक्स्ट को पूरा लेफ्ट साइड की तरह लेफ्ट के आना है और अब टाइमलाइन को आगे कर दीजिए, और अब इस टेक्स्ट को पूरा राइट साइड की तरफ लेके जाए, और अब राइट पे क्लिक करके अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है। और अब देख सकते हो वीडियो काफ़ी कूल लुक दे रहा है, और जो टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। तो ऐसी और भी वीडियो जानना चाहते हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।